ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार का एक जखीरा पकड़ने में सफलता हासिल की है। हथियारों के सौदागर से क्राइम ब्रांच ने 5 पिस्टल, मैगजीन व जिंदा राउंड जब्त किए हैं। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि एक शख्स अवैध हथियारों की खेप लेकर ट्रिपल ITM के पास देखा गया है। इसी सूचना पर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने तत्काल क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम गठित कर उन्हें टास्क दिया। टीम ने घेराबंदी कर मुखबिर द्वारा बताए गए खुलिए के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपना नाम शिशुपाल चौहान बताया। शिशुपाल की तलाशी में क्राइम ब्रांच को उसके पास से एक काले रंग का पिट्ठू बैग मिला, जिसमें अवैध हथियारों का जखीरा रखा था। क्राइम ब्रांच ने शिशुपाल के बैग से 5 पिस्टल व जिंदा राउंड जब्त किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में क्राइम ब्रांच को शिशुपाल ने बताया है कि वह ग्वालियर में किसी शख्स को सप्लाई देने आया था, लेकिन उससे पहले पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ये क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि खरगोन से अवैध हथियारों का जखीरा लेके एक व्यक्ति आ रहा है, और इस सूचना को डेवलप किया गया तो आज ट्रिपल ITM के आगे एक आरोपी को पकड़ा गया, जिसका नाम शिशुपाल चौहान है, जो कि ताल बेहट जिला ललितपुर का रहने वाला है, और इसके पास तलाशी में 5 पिस्टलें मिली। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज ISECT यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।